लोगों के लिए आत्मा पवित्र है लेकिन शरीर उन्हें अपवित्र लगता है, ये कैसे संभव है? Yes. हम यही तो करते रहे हैं, है ना? ये कहना कि ईश्वर तो पवित्र है लेकिन सृष्टि अपवित्र है, ये कैसे संभव है? ईश्वर का विचार ही आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने सृष्टि को देखा, है ना? जब आपका जन्म हुआ और आपने आंखें खोली, आपने अपने आसपास देखा, वहां इतनी विशाल सृष्टि थी। आपके यहां आने से पहले कितना कुछ हो चुका था, बेशक आपने तो ये सब नहीं रचा, इसलिए आपने सोचा कि इसका कोई ना कोई रचयिता होगा, इसी तरह आप सृष्टा तक पहुंचे, है ना? जिस पल आपने सोचा कि इसका कोई सृष्टा होगा, चूंकि आप एक इंसान हैं, इसलिए आपने सोचा कि वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। मेरे जैसा छोटा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। सिर्फ दो हाथों से वो इतनी रचना कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से उसके 8 हाथ होंगे। Isn't it so? अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है, शायद 4 सिंग वाला। You know, Idi Amin? आपने ईदी अमीन के बारे में सुना है, युगांडा वाला? ईदी अमीन ने ऐलान किया कि भगवान काले हैं। मैं उससे सहमत हूं। अगर गोरों के भगवान गोरे हो सकते हैं तो कालों के भगवान काले क्यों नहीं हो सकते? पर वे दोनों ही भ्रम में हैं। हम जानते हैं कि भगवान सांवले हैं। क्योंकि वे खुद हमारे पास आए थे। कुछ समय पहले मैं अमेरिका के नैशविल शहर में लोगों के एक समूह से बात कर रहा था और मैं उन्हें एक चुटकुला सुना रहा था। उस चुटकुले में मैंने भगवान को एक पुरुष की तरह संबोधित किया। तुरंत ही कुछ महिलाएं खड़ी हो गईं। क्या आप भगवान को पुरुष मानते हैं? मैं समझ गया कि बात कहां जा रही है। मैंने कहा, मैं केवल आपको एक चुटकुला सुना रहा हूं। नहीं, आपने पुरुष का संबोधन किया, क्या आप भगवान को पुरुष मानते हैं? वे चुटकुलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब औरतें बहस कर रही हैं कि भगवान एक औरत भी हो सकते हैं। ऐसी समस्याएं केवल उन संस्कृतियों में ही हैं। भारत में हमारे पास पुरुष भगवान, स्त्री भगवान, गाय भगवान, बंदर भगवान और हर आकार व प्रकार के भगवान पाए जाते हैं, रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, क्योंकि हमें भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का अंदाजा था। देखिए, इस ग्रह पर जब पुरुष सबसे शक्तिशाली बल था तो स्वाभाविक रूप से पुरुष ही भगवान था। अब महिलाएं भी ताकतवर होने लगी हैं तो वे भी सवाल करने लगी हैं कि भगवान एक औरत क्यों नहीं हो सकते? मान लें कल अगर कुत्तों को बहुत सारी ताकत मिल जाए, जो उन्हें मिल ही रही है, तो कुत्ते भी पूछेंगे कि भगवान एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता? डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी एक सी ही है। आपकी तुलना में वो ज्यादा करीब लगते हैं, है ना? भगवान के बारे में जो आपका विचार है वो केवल खुद का ही एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया संस्करण है, है ना? भगवान के बारे में आपकी सोच केवल खुद को बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है। देखिए, अभी तक आप अपने आप को ही परिभाषित नहीं कर सके हैं, है ना? आप अपनी जो भी परिभाषा देंगे वो सही नहीं होगी। किसी भी प्रकार की परिभाषा काफी नहीं है पूरी तरह से इस जीव का वर्णन करने के लिए। जब सृष्टि का ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा है तो सृष्टि के स्रोत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप इसे न तो परिभाषित कर सकते हैं ना ही इसे समझ सकते हैं। आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसे कभी जान नहीं सकते। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते।
आपको ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह बकवास है, सांस्कृतिक बकवास। जिस भी तरह की संस्कृति में आप हैं, आपका ईश्वर भी उसी तरह का होता है ना? इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे खा सकते हैं या आप इसे समझ सकते हैं, नहीं, आप बस इसमें विलीन होकर ही इसे अनुभव कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम केवल विलीन होने के उपाय तलाश रहे हैं ताकि हम उसे अनुभव कर सकें जो हमसे कहीं ज्यादा विशाल है।